जब ब्रिटिश अफ्रीका आए तो उनके हाथ में बाइबल थी और हमारे पास जमीन। उन्होंने हमसे कहा चलो प्रार्थना करते हैं। हमने जब आंखें खोली तो हमारे पास बाइबल थी और उनके पास हमारी जमीन। केन्या के लीडर जोमो केन्याटा ने जब ये लिखा तो एक बार में साफ कर दिया कि उपनिवेशवादी संस्कृति कैसे काम करती है, किस तरह अपने पंजे किसी भूभाग पर गड़ा कर उसे तब तक नोचती रहती है जब तक अस्थि पंजर ना बच जाए। जैसे ब्रिटेन ने किया भारत के साथ, अपनी गुलामी में बंधे कई दूसरे देशों के साथ, जंगली असभ्य अविकसित, इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उपनिवेशवादी ताकतों ने अपने द्वारा कब्जाए देशों की मूल जनता को धीरे धीरे असहाय करना शुरू किया। कहा ये बर्बर लोग हैं, इन्हें सभ्य बनाने की जरूरत है, ये हम करेंगे। इन्होंने जमीन हथियार रखी है, हम उस पर कारखाने बनाएंगे, खेती करवाएंगे। इनका कोई भगवान नहीं, ये कैसे असामाजिक हैं, हम इनको पूजन सिखाएंगे, भगवान क्या होता है हम बताएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के बहाने आई थी, जब देखा कि भारत में संसाधनों की प्रचुरता है तो इसका शोषण करने का ख्याल उनके दिमाग में गहरे बैठ गया। 1764 में हुई बक्सर की लड़ाई खत्म होने के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और उड़ीसा से कर इकट्ठा करने का अधिकार मिल गया था। इसके बाद इसकी जड़ें फैलती ही चली गईं। जब पहले स्वतंत्रता संग्राम की बात की जाती है तो नाम लिया जाता है 1857 की गदर का, वो गदर जिसके बाद ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया को सीधे एम्प्रेस ऑफ इंडिया का खिताब देकर भारत उनके हवाले कर दिया गया था। लेकिन हम उस गदर की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे हाशिए पर चल रही एक ऐसी लड़ाई के बारे में जिसने आज़ादी के मायनों पर सवाल खड़े कर दिए। हम बात करेंगे मुंडा विद्रोह की, बात करेंगे धरती आबा यानी कि पिता बिरसा मुंडा की, जो डेढ़ सदी बीत जाने के बाद भी अपने लोगों के लिए भगवान की तरह पूजनीय है। बात करेंगे उलगुलान की, कहते हैं जब तक जीतने वालों का इतिहास लिखा जाता रहेगा व्याधों के ही किस्से लिखे जाएंगे, उनके द्वारा मारे गए या घायल हुए जीवों के नहीं। से पहले भारत की मुख्य धारा से परे कई विद्रोह शुरू हो चुके थे, लेकिन उनमें से अधिकतर को लूटपाट और डकैती करने वाले असामाजिक तत्वों द्वारा पेश की गई दिक्कत बताकर दबा दिया गया। 1830 के दशक में शुरू हुआ कोल विद्रोह और 1855 में हुआ संथाल विद्रोह इसके बड़े नमूने हैं। ये आदिवासी विद्रोह सिर्फ ब्रिटिश ताकतों के खिलाफ नहीं थे, बल्कि उनके साथ मिले हुए देशी शोषणकारियों और बिचौलियों के खिलाफ भी थे, जैसे जमींदार और महाजन जो मूल निवासी और जमीन के अधिकारी आदिवासियों को उनकी जगह से बेदखल कर रहे थे। इन महाजनों को मुंडा अपनी मातृभाषा में दिकू कहते हैं। इन्हीं आदिवासियों को एक दिशा में संगठित होने का पाठ सिखाने वाले थे बिरसा मुंडा। 1875 में तब के उलिहातू में पैदा हुए, जो आज झारखंड में पढ़ता है, तब बंगाल प्रेसिडेंसी में पढ़ता था, चाईबासा में पढ़ने गए और वहीं पर देखा और सीखा कि किस प्रकार आदिवासियों का शोषण किया जा रहा है। कोल विद्रोह और संथाल विद्रोह के बारे में पढ़ जानकर अंदर का लोहा धधक उठा, नारा दिया अबुआ दिशोन रे अबुआ राज, यानी अपनी धरती उस पर अपना राज। बिरसा मुंडा ने उलगुलान की शुरुआत की। उलगुलान का अर्थ होता है असीम कोलाहल, द ग्रेट ट्यूमुल्ट, वो विद्रोह जिसमें आदिवासियों ने अपने जल जंगल और जमीन पर अपनी दावेदारी के लिए विद्रोह शुरू किया। 1895 में शुरू हुए इस विद्रोह ने अंग्रेजों को बिरसा के पीछे लगा दिया, गिरफ्तारी और रिहाई का दौर चला। लेकिन एक बार बिरसा जेल से छूटे फिर रुकने का नाम नहीं लिया। 28 जून 1898 को सामाजिक बराबरी के लिए चुटिया के मंदिर का अभियान शुरू किया। 1899 में क्रिसमस के वक्त 7000 आदमी और औरतें इकट्ठा हुए और क्रांति की घोषणा की, जो जल्द ही खूंटी तमार बसिया और रांची तक फैल गई। 5 जनवरी 1900 तक सारी मुंडा जनजाति ने हथियार उठा लिए, बहुत से पुलिस वाले मार दिए गए और करीब 100 इमारतों में आग लगा दी गई। अबुआ दिसुन यानी स्वराज्य कायम होने की घोषणा कर दी गई। इनसे लड़ने के लिए अंग्रेजों ने सेना भेजी, साथ में बिरसा को गिरफ्तार करने के लिए 500 रुपए का इनाम रखा गया। डुमारी पहाड़ी पर वैसा ही एक कांड ब्रिटिश सेना ने किया जैसा जलियांवाला बाग के समय हुआ था, सैकड़ों लोग मारे गए। मंजर ये था कि सारी पहाड़ी पर लाशें छितराई हुई थी। इस जनसंहार के बाद लाशों को खाई में फेंक दिया गया, बहुत से लोगों को जिंदा जला दिया गया। बिरसा शायद पकड़ में ना आते, लेकिन 500 रुपए का लालच शायद अपने अजीज नेता से बढ़कर था किसी के लिए। घर का भेदी लंका ढाई वाली कहावत सच हुई,
बिरसा के करीबी किसी व्यक्ति ने खबरची का काम किया और उन्हें पकड़वा दिया। 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर के पास उनकी गिरफ्तारी हुई। उनकी गिरफ्तारी का किस्सा महाश्वेता देवी ने अपनी किताब अरण्येर अधिकार जंगल के दावेदार में बताया है। आखिर कैसा था वो पल? बिरसा के हाथों में हथकड़ियां थी, दोनों ओर 2 सिपाही थे। बिरसा के सिर पर पगड़ी थी, धोती पहने थे, बदन पर और कुछ नहीं था। इसी से हवा और धूप एक साथ चमड़ी को छेद कर रहे थे। राह के दोनों ओर लोग खड़े थे, सभी मुंडा थे। औरतें छाती पीट रही थी, आकाश की ओर हाथ उड़ा रही थी। आदमी कह रहे थे, जिन्होंने तुम्हें पकड़वाया है वे माघ महीना अभी पूरा होते नहीं देख पाएंगे। वे अगर जाल फैलाए रहते हैं तो उस जाल में पकड़े शिकार को उन्हें घर नहीं ले जाने दिया जाएगा। किंतु बिरसा उन पर खफा नहीं हुए। बोले, पकड़वा दिया, क्यों ना पकड़वा देते। डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें गिनकर 500 रुपये नहीं दिए क्या? 500 रुपये बहुत होते हैं, किसी भी मुंडा के पास तो 500 रुपये कभी नहीं हुए, नहीं होते। मुंडा अगर रात में सोते सोते सपना भी देखता है तो सपने में बहुत होता है, तो महारानी मार का 10 रुपये देख पाता है। उन्हें 500 रुपये मिले हैं, क्यों ना बिरसा को पकड़वा देते। 9 जून 1900 को 25 साल की उम्र में कारागार में बिरसा मुंडा की मौत हुई। सुबह खून की उल्टी हुई और उसके बाद मौत। कई लोग कहते हैं कि अंग्रेज सरकार ने ही उन्हें मीठा जहर दे दिया, लेकिन बताया कि हैजे से मौत हुई। बिरसा की मौत के बाद उलगुलान आंदोलन ठंडा पड़ गया, लेकिन आदिवासियों द्वारा उनके हक की जल, जंगल और जमीन की लड़ाई इस सदी में भी जारी है। शोषणकारी बदल गए हैं, शोषण वहीं का वहीं मौजूद है। आदिवासी साहित्यकार हरिराम मीणा बिरसा की याद में कविता में लिखते हैं, मैं केवल देह नहीं, मैं जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूँ। पुश्ते और उनके दावे मरते नहीं, मैं भी मर नहीं सकता। मुझे कोई भी जंगलों से बेदखल नहीं कर सकता। उलगुलान उलगुलान उलगुलान। बिरसा मुंडा पर यह कहानी हमारी साथी प्रेरणा ने लिखी है। आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया।